निकला हूँ पैदल यात्रा पे, और मैं अभी गया था बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया है, गले भी लगा लिया है और बोला है कि आपकी यात्रा सफल रहेगी। तो हम निकल पड़े हैं और इस टाइम पे छतरपुर में हैं, छतरपुर से लगभग 5 मिनट आगे ना। तो इसी बीच में हमें भाई यहाँ जो इनकी दुकान है ये हमें बुला लिया। हम जा रहे थे और दो तिरंगा देखे साथ में बैग में, तो भाई ने बुलाया कि भाई यहाँ चाय पी लो, तो चाय भी पी चुके हैं। और भाई आपका नाम क्या है? मानवेंद्र सिंह। इनका नाम है मानवेंद्र सिंह जी। अच्छा, तो भाई ने चाय पिलाई और कुछ मुझे नमकीन भी दिए, ऐसी बात नहीं है। और भाई ने बोला कि अपना नंबर दे दो, मैं आपको 500 रुपये भेज दूंगा, आप जूता ले लेना और जो भी आपको खाना है आप ले लेना। मैंने कहा यार भाई इसकी ज़रूरत ही नहीं, मुझे रास्ते में मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है और चाय नाश्ता सब कुछ मिल जाता है मुझे। मैं घर से 1 रुपये लेके नहीं चला हूँ, और लगभग मुझे मैंने 1000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है, और 1000 किलोमीटर मुझे एक भी मेरा रुपये ख़त्म नहीं हुआ है। जहाँ मुझे खाना नहीं मिला वहाँ मैं कल की रात की बात है, मतलब खाना नहीं मिला तो मैं कल रात में सो गया ऐसे सही बता रहा हूँ। मंदिर में कुछ मिला नहीं, वहाँ पुजारी तो वहाँ रहते हैं सारे, यानी खाना ना बनता नहीं है, तो ऐसे ही लेट गए। मैंने चलो बस सुबह खा लेंगे, सुबह वहाँ खा के आए। और अंकल जी आपका नाम क्या है? चंद्रकांत चौरसिया। इनका नाम चंद्रकांत चौरसिया। तो भाई जी हमें बहुत 500 रुपये मुझे दिए उन्होंने अकाउंट में डाले के ना, आप जो भी मैं तो जा नहीं सकता हूँ, ऐसे आप यात्रा कर रहे हो तो आपको मैं पैसे डाल देता हूँ, अब मनोकामना आपकी पूरी हो जाए। तो भाई ने मुझे 500 रुपये डाले, सही बता रहा हूँ। और भाई भी आपका नाम क्या है? इनका नाम मुकेश गुप्ता। ये भी यहीं रहते हैं? यहीं रहते हो ना? इन्होंने नंबर ले लिया, मेरे सारे आज इतने हमारे नए भाई बन गए थे, सबके साथ में दिल घुल मिल गया, सही बता रहा हूँ। लगभग यहाँ 10 मिनट हो गए मुझे बैठे, और यहाँ से लगाओगे अभी झांसी वो कितना होगा? 500 किलोमीटर। मैं अभी उज्जैन मंदिर जा रहा हूँ जो भोले बाबा जी का है, माँ कालेश्वर मंदिर ना, यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर का लगभग मुझे 8-9 दिन लग जाएगा अभी। हाँ आराम से लग जाएगा 8-9, क्योंकि मेरी स्पीड छाले पड़े थे। तो कल रात में मैं सोच रहा था कि लगता है बालाजी अपने पास बुला लेने दोबारा, इतने छाले पड़ गए थे। और मैं बजरंगबली का मंदिर भी वहाँ है, तो हमने कहा बाबा कोई रास्ता दिखाओ, मैं वहाँ वापस जाना अच्छा नहीं लगता ना, आगे बढ़ना जाना है। तो बाबा ने ऐसी रास्ता दिखाई और मुझे सीधे मेडिकल भेज दिया। मेडिकल से मैंने वो सिरंज ली, और सिरंज में सारे छाले फोड़ दिए और दवा ले ली। अब सुबह कदम टन हो गया ना, अब मैं सुबह फिर निकल पड़ा हूँ। तो भाई ऐसा कुछ नहीं, जो आपने प्रण लिया है आप अगर उसके दिल से चाहो ना तो आपको भाई भगवान भी मदद करता है, सही बता रहा हूँ। और भाई इधर आइए, इधर आइए। आपका नाम क्या है? देवेंद्र कुशवाहा। इनका नाम देवेंद्र कुशवाहा, इनकी दुकान है आपकी? यहाँ अच्छा, चलो अच्छी बात है यार। और चलो भैया जी, और चलो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे। और मेरा यूट्यूब चैनल है विदाउट मनी सर्वाइवल, में आप वीडियो देखते रहना, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा हर जगह के आपको दर्शन कराते रहूँगा, ठीक है? विदाउट मनी सर्वाइवल में। अभी यहाँ के बाद फिर हम मुंबई जाएंगे, मुंबई में। तो इसी बीच में हमें सागर रोड जो हाईवे 94 ए हाईवे, इस जो इस रास्ते पे हमें भाई मिले हैं। आपका भाई नाम क्या? राजकुमार। अच्छा, इनका नाम है राजकुमार। हाँ भाई, मैं जा रहा था पैदल, तो भाई ने झंडे देखे और कहने लगा कोई भाई जा रहा है, तो उसको बाइक भी रोक दिया है। और मिले कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा भाई बताया मैंने, भाई मैं यात्रा पर निकला हूँ। तो भाई बहुत खुश हो गया, बहुत दिल खुश हो गया यार, कसम से यार भाई, मतलब मेरे भाई यहाँ तो मतलब इंदौर के लिए जा रहे हैं यार भाई, और मैं इंदौर का ही यार भाई, सभी भाई लोगों को मेरी तरफ से भाई सीता रहा। तो भाई ने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने बताया, तो भाई कहने लगा यार बहुत हिम्मत है यार आपने, बताओ आप इतना पैदल जा रहे हो और कोई दिक्कत नहीं हो रही? मेरे छाले पड़े थे, छाले भी फूट गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से लगी, यहाँ से छतरपुर 20 किलोमीटर होगा, लगी इतना तो हो गई ना? हाँ छतरपुर 20 किलोमीटर, अभी लगभग 20 किलोमीटर और हम चल जाएंगे। तो देखते हैं आगे कोई मंदिर मिलेगा वहीं हम रुकेंगे रात में, मंदिर होगा या थाना पड़ेगा, थाना भी आएगा। मतलब इसी मतलब यहाँ से कम से कम करीब से करीब मान के चलो 20 से 25 किलोमीटर दूर थाना आएगा एक अपना इसी हाथ में, मतलब उतना अच्छा भी मतलब नया है और भाई मतलब इधर अपना। भाई जा रहा था तो भाई ने लगभग 2 किलोमीटर पहले गाड़ी रोक दी, और फिर वापस में आया, भाई कोई जा रहा है इससे मिल लेते हैं, और पता चला ये तो देशभक्त है, तो बहुत खुश हो गए। तो ठीक है भाई, अब चलते हैं, ठीक है आगे की ओर। आप भी जाइए, आपको बहुत बहुत बधाई हो हमें। धन्यवाद यार भाई, आपसे मिलकर बोलते बहुत अच्छा लगा यार, कसम से। चलो गाइस, अनगोर में यहाँ गांव में आ चुका हूँ। ये भाई मुझे रास्ते रास्ते मिले थे, तो भाई से पूछा यहाँ कहीं मंदिर वगैरह है,
तो भाई से पूछा मंदिर वगैरह है, तो भाई ने बोला कि हाँ यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है, तो हम यहीं चले आए और भाई लेके आए। भाई इनका नाम है छोटू सैन और भाई आपका नाम, इनका नाम शिवम। तो भाई हमारे दो फॉलोवर और बन गए नए, बहुत मिलकर अच्छा लगा यार, सही बता रहा हूँ। और भाई कहाँ गया? महाकाल। महाकाल इनको बोलते हैं महाकाल। इधर आ जाओ भाई, आपका नाम क्या है? सोनू गटी। सोनू गटी, इनका नाम है सोनू गटी। और आ जाइए भाई, इधर आइए, ढोल ये फुटबॉल खेलते हैं, गेंद खेल रहे हैं। और भाई आपका नाम क्या है? जागेश्वर राजा। ओ माय गॉड, देख लो भाई इनका तो बहुत हाईटेक नाम है। बस मैं यहाँ आ गया हूँ, अपना बैग रखती है और मेरे पीठी आज बहुत दर्द हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खा पी ली जाए, जाएंगे टेबलेट लेंगे, दवा लेंगे, तो दर्द हो रहा है तो कम होगा थोड़ा बहुत। उसके बाद में अपना कैंप लगाएंगे, और थक गए ज़्यादा हैं क्योंकि वजन बैग में कम से कम 20 किलो हो गया है। और रास्ते में भाई मिलते हैं तो खाने के लिए देते हैं, तो मना तो कर नहीं सकते हैं। तो बागेश्वर धाम में बहुत भाई ने खाने के लिए मान दिया है, और रास्ते में मिल गए तो क्या करें, मुझे भी सामने मना भी नहीं करने, आगे खाने को भी चाहिए ना, तो मना नहीं करना पड़ता है, तो ले लेते हैं। तो बैग में बहुत वजन हो गया, 20 से 22 किलो वजन होगा, तो पीठी पूरी दर्द होने लगी है। तो इसी बीच में अब टाइम भी हो गया लगभग 5:30।